का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। उसमें से पांच चार पांच थे जो संदेश हमारे लिए ले आती थी तपस्या का। तपस्या कैसे करनी है? आप तीन बारी खाते हो, आप हल्के कैसे होंगे, भारी शरीर रहेगा। एक बारी खाओ, फिर अनुभव करेंगे, आपको नींद नहीं आएंगी, शांति में झूलेंगे नहीं, हल्के हल्के मन आपका उठ जाएगा बाबा के पास, अपने घर में चले जाएंगे। घर भूला, बाबा भूला, उनसे मिलना है, ये संगम युग मिलने का है। उनको कैसे प्यार से मन से मिले, तो उन्होंने हमको संदेश आके दिया बाबा को, और हमारे नाम आते थे लिस्ट में। आज इन 20 का प्रोग्राम है तपस्या का, इनको अखंड योग करना है, रात दिन दो दो घंटे के बाद नींद नहीं, दो घंटा सोए भले रात्रि में, फिर उठे योग करें, फिर दो घंटा सो के फिर उठ के योग करें। आदत इनसे क्या पड़े, नींद को जीतने वाले। हे बच्चे, निंद्रा तमोगुणी है, बहुत नींद नहीं करो। तो खाना बाबा ने प्रोग्राम दिया हल्का खाए, इसलिए हमको एक कमरा बड़ा दिया, जिनको तपस्या करने संदेश पुत्री हमारा टीचर बन जाती थी, और वो सारा प्रोग्राम लिख के बाबा को देती थी। तो सुबह में दूध, रात्रि में दूध, दिन में सफेद भोजन, जीरी वाला आलू, सफेद चावल, मूंग की दाल, बस रोज ये भोजन खाना है, जिसमें मिर्च मसाला और कोई चीज ऐसी नहीं, क्योंकि अन्न का असर मन पर पड़ता है। तपस्या है कि एकाग्रता है, अन्न का मन पर असर मसाले, मिर्च मसाले तमोगुण होती है। अब बुद्धि को बदलना है, मन को बदलना है, तो उनको भोजन पवित्र चाहिए, अपने हाथों से प्यार का, रूहानी प्यार का भोजन ब्राह्मण बनाए, बड़े प्यार से। बड़ी ताकत है, ब्रह्मा बाबा समर्पित हो जावे, वो भोजन मिले ब्राह्मणों का, ब्रह्मा बाबा का, कितना शुद्ध पवित्र, कितनी शक्ति। उसने अचल स्थिर अडोल बनाए दिया, दुनिया में इतने विघ्न आए, अपने भी कई आए होंगे, पर मालूम नहीं पड़ा ये कोई विघ्न है, माया है, ये है, कैसे चलेंगे माया से। जैसे अभी संकल्प तूफान में आते हैं, चाहे उस टाइम भी आई हो, वे हमको मालूम नहीं पड़ा है, हंसते हंसते सब बातों को पार किया है, क्योंकि आगे ताकत थी हमारे सामने बाबा ब्रह्मा, जिसमें बाप दादा कट्ठे। हाँ, धीरे धीरे पहचान आते आते वो सामने, जब भी हम कराची में आए हैं, हमारे साथ साथ अंग संग बाबा, अंग संग तपस्या, तुम्ही संग बैठू, तुम्ही संग बोलूं, ये प्रैक्टिकल था।
साकारम। सुबह से रात तक हम बाप दादा के साथ, तो नजरों में तो वो समाई गया। उठते सब्जियां काटते थे, उसमें भी फिर माँ बाबा साथ में, बाप दादा। दौड़ते थे अबू में या कराची में भी, अंग संग बाबा, सारी दिनचर्या उनसे। तो कैसे वो भूल सकता है हमको? नैनों में ही समाय गया, समाने की बात थी। कैसी पालना अपने की दिल से, तन भी सेवा, मन भी सेवा, धन भी सेवा, तीनों ही लगाएगा तो ये प्यार है ना, प्यार में कुर्बान हो गया शिव बाबा के, वो हमको खींचता है आज तक। सेवा जो बाबा ने की है अपने लिए बेगा, न मेरे पास कुछ होगा, न मैं समझूंगा, तो ये मेरा है। इसलिए बाबा को दे सब, बाबा को खुद हाथ खा ले। दुनिया में हमने कभी किसको ऐसे नहीं देखा। कुछ न कुछ अपने लिए रखता है मनुष्य, बीमारी आवे, बीमारी आवे, कोई अपने लिए रखा हुए बैंक बैलेंस। बाबा ने अपना सारी जायदाद, बिल्डिंगें, वो धन, सारा परिवार को भी समक अर्पित करा के बेघर बनाए दिया। जब बेघर नहीं बनेंगे तो प्रिंस नहीं बनेंगे, बेघर तो प्रिंस, नाम ही वाणी ऐसी चलती थी। तो मेरे में जो अटैचमेंट थी वो तो खत्म ही हो गई। मेरा कुछ नहीं, मैं शिव बाबा का, मेरा बाबा बस, और कोई नहीं है, दूसरा सहारा भी वो ही है। तूने प्यार दिया साकार ने जो आ